नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मानी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट ऑलरेडी जारी हो चुका है। कंपनी ने दोस्तों ऑलरेडी डिविडेंड की जो फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों अभी के लिए कल मार्केट में हमें क्या नज़र आ सकता है, तो अभी के लिए दोस्तों कंपनी का जो रिजल्ट है वो फाइनल जारी हो चुका है। दोस्तों आप रिपोर्ट आप देख सकते हैं, डेट 16 मई 2024 यानी कि आज जो है कंपनी ने अपना रिजल्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। फिलहाल दोस्तों कंपनी ने सबसे पहले जो डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट की है, तो वो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कंपनी का रिकमेंडेड और फाइनल डिविडेंड 0.1% ई। तो दोस्तों कंपनी का पर शेयर इक्विटी शेयर पर जो यहाँ पे डिविडेंड होने वाला है वो 1 पैसे का देखने को मिला है। तो 1 पैसे का दोस्तों पर शेयर पर जो डिविडेंड है वो कंपनी ने पे आउट किया है। साथ ही साथ दोस्तों इस चीज़ को लेकर दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट है वो भी जल्द ही जारी हो जाएगी। पर कंपनी का दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट जारी होने के बाद दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड है, जो कंपनी है आपके डीमैट अकाउंट में 30 डेज यानी कि 30 दिन के अंदर जो डिविडेंड है वो जमा कर देगी। अब फिलहाल दोस्तों ये डेटा तो हमें ऑलरेडी पॉजिटिव मिल चुका है, पर अभी के टाइम रिजल्ट के अंदर कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है तो उस चीज़ पर अभी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। क्योंकि लगातार पिछले टाइम से कंपनी में दोस्तों उतार चढ़ाव जो थे वो भी काफ़ी अधिक नज़र आए थे। कंपनी का जो लगातार दोस्तों रिटर्न्स पर जो गिरावट था वो भी कहीं ना कहीं हमें अधिक नज़र आया था। पर कंपनी का जो ऑडिट रिजल्ट देखने को मिला है तो वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया। और अभी के टाइम कंपनी का जो ऑपरेशन रेवेन्यू जो देखने को मिला है, तो कंपनी ने दोस्तों ऑलरेडी क्लियरली मेंशन किया कि जो डेटा है वो लाख के अंदर यहाँ पे जारी किया है। तो अभी के टाइम कंपनी का दोस्तों लाख के अंदर जो डेटा जारी हुआ तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें देखने को नज़र आने वाला है। क्योंकि लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो भी हमें नज़र आए, और अभी के टाइम दोस्तों जो गिरावट थी वो यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म होती हुई अब नज़र जल्द आ सकती है। क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों जो 8,176 करोड़ का जो ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला, उसके अलावा यहाँ पे जो नजर आए कि 4.83 लाख की जो अदर इनकम थी, टोटल जो रेवेन्यू कंपनी को रिसीव हुआ वो 8,179.60 लाख के टोटल कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू था वो रिसीव हुआ। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ कंपनी के लिए पॉजिटिव बेटर जो डेटा था वो यहाँ पे देखने को मिला। पर साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस था वो कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक देखने को मिला। पर उसके बावजूद भी दोस्तों कंपनी ने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करने का जो कार्य है वो इस रिजल्ट के अंदर देखने को अच्छा खासा नजर आया है। और कंपनी का दोस्तों टैक्स पे आउट के बाद अगर बात की जाए तो बिफोर टैक्स कंपनी का दोस्तों जो नेट प्रॉफिट था वो 393 लाख रुपए का था। पर दोस्तों करंट टैक्स पे आउट के बाद कंपनी ने दोस्तों 157 लाख रुपए का जो टैक्स पे आउट किया है इस रिजल्ट के अंदर। और कंपनी को दोस्तों नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो देखने को मिला है काफ़ी पॉजिटिव, 236 लाख रुपये का दोस्तों नेट प्रॉफिट इस कंपनी को एक बार फिर से इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट नज़र आया है। क्योंकि दोस्तों कंपनी के लगातार जो सेल थी वो काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, और कंपनी की सेल दोस्तों लंबे वक्त से ऑलरेडी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही। तभी मैंने आप लोगों को दोस्तों क्लियरली डेटा मेंशन किया था कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी पॉजिटिव नजर आएगा और कंपनी दोस्तों डिविडेंड पर विचार कर सकती है। और वही चीज आज एक बार फिर से नजर आई कि कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड फाइनल जारी किया है जो 1 पैसे का पर शेयर पर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इस स्टॉक पर एक बार फिर से बरकरार रही है, और कंपनी ने अपना 100% से 100% दोस्तों जो रिजल्ट है वो देने की कोशिश यहाँ पे की है। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम एक बार फिर से हमारे पास तो एक अच्छा मौका कंपनी का नजर आया है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और फिर से सेलेक्ट कर लेना। अब फिलहाल दोस्तों कंपनी ने जो इक्विटी शेयर जो यहाँ पे जारी किए हैं तो वो यहाँ पे हमें नजर आएंगे। कंपनी को जो रिसीव्ड यहाँ पे जो हुए थे अप्रूव के तौर पर जो नजर आए थे वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आए थे। 2,96,00,000 शेयर यहाँ पे इक्विटी शेयर पर दोस्तों रिसीव्ड हुए, पर कन्वर्टेबल पर अगर बात की जाए तो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। और 19 मार्च 2024 को कंपनी ने दोस्तों जो कन्वर्ट किए थे ये शेयर, तो वारंट इक्विटी जो शेयर फिर जारी हुआ दोस्तों वो 4,44,00,000 के शेयर यहाँ पे वारंट इक्विटी शेयर के तौर पर जारी हुए थे। तो ये कंपनी का मुख्य जो डेटा है वो अभी तक जारी हुआ है। फिलहाल बेसिक की अगर बात की तो फिलहाल दोस्तों आज मार्केट एक बार फिर से गिरावट के अंदर क्लोज हुआ है दोस्तों। 17.79 रुपये पर मार्केट आज का जो क्लोजिंग में नज़र आया है। तो अभी के लिए दोस्तों नेगेटिव जो डेटा देखने को इस वजह से नज़र आया है कि शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि कंपनी को लॉस हो सकता है इस क्वार्टर रिजल्ट के अंदर, पर कंपनी की एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इस रिजल्ट में एक बार फिर से नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो इंटरम जो डिविडेंड है वो मिल चुका है। मार्केट कैप दोस्तों 1,891 करोड़ का नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी के टाइम कर्ज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगभग दोस्तों
कंपनी का 54 करोड़ का। तो अब कंपनी ने दोस्तों आज कर्ज भी यहाँ पे टोटल ऑलरेडी लगभग लगभग खत्म कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नजर आया कंपनी की। दोस्तों जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.4% की रहने वाली है, जिसमें 46.6% दोस्तों पब्लिक होल्डिंग में नजर आएगी और 5.02% FII के इन्वेस्टर रहने वाले हैं। पर अभी के टाइम दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट लॉस पर अगर हम बात करें, दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस का डेटाबेस में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल थी दोस्तों ऑलरेडी 2 से 3 गुना बढ़ती हुई नजर आ रही थी, 2 गुना कंपनी की सेल हो चुकी थी, तो प्रॉफिट होना लाजमी था। और कंपनी का जो डिविडेंड देना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हाँ बड़ी बात तब है दोस्तों क्योंकि कंपनी अब एक टाइम जो है लगभग एक 18 से 20 रुपये वाली कंपनी दोस्तों लगातार पिछले लंबे वक्त से डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो एक बड़ी बात बन सकती है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।